Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Environmentalist activist, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई ना कोई इन्वायरमेंट की बात कर रहे होंगे, इकोलॉजी की बात कर रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे होंगे, मगर वो टूल किट फैला रहे हैं और आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं ग्रेटा के साथ भी। ग्रेटा वो बच्ची है जो शायद स्कूल भी नहीं जाती। हम समझ नहीं सके कि साइंस के बारे में उसकी कितनी बड़ी नज़र है ग्रेटा की, लेकिन वो दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के और ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती हैं। भारत में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बहुत वीक है, लेकिन बाहर ये कुछ एक्टिविस्ट जो पता नहीं किस बात का रूप धारे हुए हैं, ये सब के सब अपोजिशन बाहर ही कर रहे हैं। इस सब मुद्दों पे आज बातचीत होगी हमारे वीकली शो में बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या भाई से। आर्या भाई, मैंने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट में तो हमें नज़र नहीं आती, बाहर ही उसका ये शोर होता है। ये चंद एक्टिविस्ट आते हैं, कोई शाहीन बाग के शक्ल में, कोई पार्लियामेंट पे अटैक करता है, और फिर कोई जो है वो एकदम से इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाता है और कहता है कि मैं फ्री स्पीच नहीं मिल रही। भाई उनसे ये पूछें कि ये टूल किट तो इन्वायरमेंटल का इशू नहीं था, ये क्या सारा खेल है? ताहिर साहब, पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट करा, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। देखिए ना, ये कोई एनवायरमेंट का लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना, कोई जासूस है, कोई जेम्स बॉन्ड कहीं पे जाता है जासूसी करने के लिए, कोई भी जासूस जाता है, कोई भी किरदार लेना, कैरेक्टर लेना, तो उसका कवर आइडेंटिटी होती है। वो कभी बिजनेसमैन बन के जाता है, कभी कुछ पायलट बन के जाता है, कुछ बन के जाता है। तो ये लोग जो इनका भी है, अब ये लड़की है दिशा रवि, मुझे तो लगता है कि अभी बच्ची है 21-22 साल की। तो अब इसने एनवायरमेंट के बारे में क्या करा है? जो आज लोग कहते हैं ना कि ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इसने क्या करा है? इसने कोई पेपर लिखा है? इसने कुछ इसके बारे में जागरूकता दिखाई है? इसने कोई बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं इसके बारे में? इसने कुछ करा है? ये आप ये देखिएगा कि कभी भी ये लोग ऐसी चीजें जरूर बोलेंगे। ऐसा अब आज से हिंदुस्तान में कुछ 10-15 साल पहले किसी को ये भी नहीं था पता कि एक्टिविस्ट एक प्रोफेशन है। मुझे तो अभी पता लगा हफ्ता भर पहले कि ये भी साहब अपने आप में एक प्रोफेशन है, इसमें पैसे मिलते हैं, ये भी एक चीज है, जैसे कि डॉक्टर है, जैसे कि इंजीनियर है, जैसे कि वकील है, जैसे कि टीवी एंकर है, टीवी होस्ट है, वैसे ही एक्टिविस्ट भी एक चीज है सर। वो भी तो माँ बोल लेंगे बच्चों को बड़ा होकर कि बेटा एक्टिविस्ट बनना, क्योंकि उसमें पैसे बढ़े। बहरहाल, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, साफ सीधी बात है कि ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इंडिया में सर। पहली चीज, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, ये बहुत अच्छी तरीके से फंडेड है। अब आप देखिए, इंडिया के एक कोने में ग्रेटा थनबर्ग इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाती, जैसा आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, स्कूल नहीं जाती। हम तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, और वैसे ही इंडिया में अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके तहत ही अगर ये पाठशाला में चली जाए, स्कूल में गुरुजी के अंडर पढ़ ले कुछ, तो ठीक हो जाएगी। अब ये क्या है कि ग्रेटा दुनिया के एक कोने में है सब, यूरोप के कोने में बैठी है, ग्लोब ट्रॉटर है पर यूरोप की रहने वाली, एक कोने में बैठी है। वो दिशा से बात करती है जो इंडिया के कोने में रहने वाली है, ठीक है। इनका एक पूरा वेब है, इनको कौन सी चीजें जो मिलाती हैं हम तो नहीं जानते। हम तो टीवी पर आते हैं, हम तो ग्रेटा को नहीं जानते ना, हम जानना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन तो इनके लोग फिट कर रखे हैं हर जगह। अब इसमें देखिए, इन्होंने टूल किट बनाया, ग्रेटा ने ट्वीट कर दिया, गलती से ट्वीट डिलीट कर दिया अपना। उसके बाद क्या होता है कि ये लड़की व्हाट्सएप करती है, जो रिकवर्ड व्हाट्सएप ट्वीट है, सब जज के सामने जाएंगे अभी धीरे धीरे। जो चार्जशीट में सबमिट कराया, जो भी उन्होंने अपनी इंक्वायरी सबमिट करी है पुलिस ने, उन्होंने बोला साहब उसने ट्वीट डिलीट करा, जिसमें ट्वीट में उसने ये बोला कि साहब देखिए हम लोग फंस जाएंगे तो आप इसके बारे में बातचीत ना करें। ये दिशा रवि बता रही है ग्रेटा को कि हम लोग फंसने वाले हैं इसमें, एक्ट के तहत उसने बात करी कि हम इस एक्ट के तहत फंस जाएंगे, इस कानून के तहत। तो साहब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, और दे आर द पीपल हु आर यूज्ड। अब आप देखिए, जो किसान यूनियन खालिस्तानियों के साथ खड़ी थी, किसान नहीं खड़े थे, किसान यूनियन जो खालिस्तानियों के साथ खड़ी थी, उसने आवाज उठाई दिशा के लिए, अरे तुम्हारा क्या मतलब है टूल किट से, तुम तो किसान हो, एमएसपी के बारे में बात करो,
फार्मर सुसाइड, जब हिंदुस्तान में हजारों फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, ये किसान यूनियन चुप थी, इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब महाराष्ट्र में और जगह किसान सुसाइड करते थे तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब यूरिया को बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते तब किसानों ने कुछ नहीं बोला, इन्होंने अभी बोला जाके। और किसमें बारे में बोलना, क्योंकि ग्रेटा उससे बात कर रही है और दिशा को पकड़ के पुलिस कह रही है कि हम जेल में डाल देंगे तुम्हें, तो ये सब अचानक ये सब लोग एक्टिव। तो आप देखिए तार सबके मिले हुए हैं और ये सब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये कर रहे हैं सर। ये बहुत एक बड़ी साजिश है यहाँ पे इंडिया में। आपने कहा कि इन सब के तार आपस में मिले हुए हैं और यहाँ पे हम बैठे हुए कनाडा अमेरिका में देखते हैं जिस तरह यहाँ का टेलीविज़न और बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स न्यूज़पेपर्स न्यूयॉर्क टाइम्स तक वो ये बातें कर रहे हैं कि दिशा रवि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को पकड़ लिया गया, फ्री स्पीच को भारत में सप्रेस कर दिया गया। तो एक तरह की जो है ना डैमेजिंग जो इमेज है भारत का वो बना रहे हैं और ये सब एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं। हमने एमनेस्टी इंडिया की भी वो सारी की सारी स्नीक कार्रवाइयाँ देखी इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, उसके बाद उनको बंद करना पड़ा अपना ऑपरेशन। तो ये जो एनजीओज का पूरे का पूरा खेल है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अब कैरियर बन चुका हुआ है, ये जो पूरे का पूरा खेल है, क्या भारत की आवाम उनके खिलाफ अब खड़ा हो रही है कि भाई आप हमारे हेल्प करने की बजाय हमें ही डैमेज क्यों कर रहे हो? सर इन एनजीओज ने ताहिर साहब आज तक किसी की हेल्प नहीं करी। ये कवर आइडेंटिटीज हैं, मुझे मैंने तो नहीं देखा, मैं हर रोज अखबार भी पढ़ता हूं, मैंने तो नहीं देखा इन्होंने कभी किसी की हेल्प करी है। आपने एनजीओ बनाया, आपने एनजीओ में फंड्स लिए अंदर से बाहर से, और फंड्स लेने के बाद आपने अपने काम में जहां पे आपके अकाउंट ने बोला आप उस काम पे लग गई। ये कौन सा एनजीओ है सर? इस एनजीओ ने क्या करा है? इसीलिए तो मोदी सरकार ने जब मुहिम चलाई थी कि सारे एनजीओ का देखो इनकी फंडिंग कहां से, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं सब कैसे। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, दिल्ली में बैठती है इदारा एक, उसने बोल दिया कि आपने, उसने नोटिस दे दिया दिल्ली पुलिस को कि आपने दिशा रवि को कैसे पकड़ लिया, क्यों नहीं पकड़ सकते भाई दिशा रवि को, क्यों नहीं पकड़ सकते? उन्होंने बोला कि नहीं साहब आपने एक लड़की गलत पकड़ लिया। गलत पकड़ लिया तो जज डिसाइड करेगा ना सर, ये तो जज डिसाइड करेगा। तो ये जो एनजीओ हैं, ये ऐसे ऐसे इदारे हैं जो विक्टिम प्ले करते हैं ना सर, ये इतना खतरनाक इनका विक्टिम कार्ड है कि आप कल कुछ कह दीजिए और आपने जिसको बोला अगर वो कोई फीमेल है, चाहे उसने 10 गलतियां करी हो, तो आपके ऊपर कुछ इनके जो खास लोग हैं सर, ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और इस टाइप के लोग, ये आपके पीछे, ये पहला तो आपके ऊपर एक जैसे वो फास्ट बॉलर बाउंसर मारता है ना सर, पहला बाउंसर आपके ऊपर गिरेगा पेट्रियार्की का सर। पहले तो आप पेट्रियार्की में बिलीव करते हैं, ये आपको पहले बोला जाएगा। दूसरा आपको बोला जाएगा मेल शोविनिस्ट हैं, यू आर अ वुमेन हेटर, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कई लोग फेस करते हैं कि जब हम बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये आपकी बात से कन्विंस नहीं है या आपकी बात से अग्री नहीं करते तो आपका वीक स्पॉट ढूंढते हैं और उस वीक स्पॉट पर मारते हैं। इनका आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि ताहिर असलम गोरा साहब ने ये बात बोली है, उससे कोई नहीं है। आपको बोल देंगे कि यू आर दिस थिंग, यू नो यू हेट अ पर्टिकुलर रिलीजन, यू हेट अ पर्टिकुलर जेंडर, आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये लोग ये करते हैं, इन्होंने कभी किसी का भला नहीं करा ताहिर साहब, इन्होंने कभी किसी का भला नहीं करा जी। और कितने स्ट्रांग हैं ये लोग भारत में? सर ये इंडिविजुअली स्ट्रांग नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब पीछे से मिल जाते हैं ये लोग तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, ये दीज आर द मोस्ट डेंजरस। लोग कहते हैं ना कि पीएफआई खतरनाक है और ये खतरनाक है, खालिस्तानी खतरनाक है, कश्मीरी टेररिस्ट, ये कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान को खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा सर कम्युनिस्ट से है, लेफ्ट से है। दीज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल इन इंडिया। वो तो अच्छी बात है कि इनको लगातार भारत के लोग हरा रहे हैं इलेक्शंस में, इनको पावर में बहुत कम जगह आने दिया, आप शायद केरला वरला में ही, बाकी एक आध स्टेट में, वरना दे आर नोवेयर देयर। दीज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल, द मोस्ट डेंजरस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। ये जिस मुल्क में गए इन्होंने उस मुल्क को डुबाया है, इन्होंने रशिया जैसे सुपर पावर को डुबा दिया सर, रशिया को निपटा दिया इन्होंने। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल साइज, सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर, अमंग द टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, अमेरिका और यूएसएसआर दो थे। ये रशिया को ले डूबे सर, ये इनका इतिहास ऐसा है। ये क्यूबा को ले डूबे, नॉर्थ कोरिया का बेड़ा गर्क। तो ये इंडिया के साथ भी वही करना चाह रहे हैं। तो अकेले ये लोग पावरफुल नहीं है, अगर मैं बोलूं कि अकेले ये कोई एनजीओ बहुत पावरफुल है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। लेकिन
ये 15-20-30 एक साथ मिलके अचानक आप देखिए एक दिशा रवि को आप अरेस्ट करते हैं, यहां पे एक फार्मर यूनियन बोलने लग गई, एक तीसरा एनजीओ वो ट्विटर पे एक्टिव हो गया, कोई डेनमार्क में एक्टिव हो गया सर। ये इस तरीके से इनके पूरे स्लीपर सेल्स हैं जो चलते हैं, पीछे से सब कनेक्टेड हैं। बस आपने पैसा डाला, वो मेले में होता था हमारे टाइम पे ना, बहुत पहले, आजकल तो नहीं होता, मेले में वो 1 रुपए का सिक्का डालते थे तो गुड्डा बोलता था सर अपने मुंह से, ये है उसके पीछे सिक्का डाली तो गुड्डा बोलेगा सर, वो इतना बड़ा सा खड़ा रहता है, वो स्टैचू टाइप का गुड्डा वो बोलता है। तो ये ऐसे ही है सर, ये अकेले नहीं है, लेकिन मिल जाते हैं तो दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस वैल्यू। राइट, आपने कहा कि लेफ्ट की जो कुवतें हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं। मुझे बहुत साल पहले पढ़ी हुई एक किताब राहुल पंडिता जी की याद आ रही है, हेलो बैक्स्टर, जिसमें उन्होंने ये सारे का सारा बताया कि किस तरह माउस बने। वो अपनी जगह पे डिबेट है, लेकिन आपने कहा कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, अकेले भारत में इतने स्ट्रांग नहीं है, मगर अब ये इंटरनेशनल वेब जो इनका बना हुआ है, जब उसमें होते हैं तो ये नुइसेंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो नुइसेंस क्रिएट होती है, इससे भारत को कितना नुकसान होता है? नुकसान है सर इंटरनेशनल लेवल पे, ये लोग इमेज पे हिट करते हैं, इनके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं है, ये रियल पावर नहीं है इनके पास, ये कहीं पे भी पावर की पोजीशन में नहीं है। बस ये लोग क्या करते हैं, इंडिया की क्रेडिबिलिटी हिट करते हैं, इंडिया को ऐसी जगह हिट करेंगे जहां के इंडिया की इमेज खराब हो। अब ये चाइना को तो हिट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये चाइना को क्या बोलेंगे, चाइना को फर्क नहीं पड़ता ना, वो लोग अंग्रेजी समझते हैं, अब इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी समझते हैं। तो आपने क्या करा, आपने रिहाना को पैसे दिए, राइट, रिहाना ने एक ट्वीट करा, Why is nobody talking about this? रिहाना ने ट्वीट करा तो बड़ा साहब दुनिया में हल्ला वल्ला हो गया। अब ताहिर साहब मैं रिहाना से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके शो के मीडियम से कि Why are you no longer talking about this? तुमने एक ट्वीट करा, तुम तो बड़ी पैशनेट थी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, इंडिया में बहुत पैशन था तुम्हें, कहां गया, कहां गया वो पैशन, एक ट्वीट का, बस एक लाइन का ट्वीट। रिहाना को पैसे मिले, रिहाना ने अपनी जेब में पैसे डाले, एक ट्वीट करा, कहानी खत्म हो गई। उसी तरीके से जैसे हमारे सुपरस्टार्स जाते हैं, जेएनयू में गए, एक दिया जलाया, फोटो अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए बात यह ना, पीआर एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज ने बोला कि मैडम आप जेएनयू चले जाइए, मामला गरम है, पूरा नेशनल मीडिया वहां पे आ जाएगा, आपको फ्री की पब्लिसिटी। इसी पब्लिसिटी के लिए मैडम अगर आपको पानी है, आपको 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, हम आपको कुछ नहीं करना, होटल से कार पकड़िए जेएनयू में, वहां पे 4-5 जो बच्चे हैं वहां पे उनके साथ 100-200-500 हजार स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आपको सिर्फ 4-5 से मिलना है, वहां पे आपको दिया जलाना है, कुछ बुड़ 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 अपने मुंह से बोलना है, वहां पे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, एक कंधे पे हाथ रखनी है, किसी के सर पे हाथ फेरना है, कहानी खत्म, 10 करोड़ की पब्लिसिटी 5 मिनट पे, दैट इज व्हाट दे डू। तो ये स्टार्स भी इसी बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि लालच होता है, पब्लिसिटी इनका गेम ही पब्लिक आएगा सर, है ना। और ये जो बाकी लोग हैं, दिस इज व्हाट दे डू, आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, मैंने पिछली बार भी यही बात बोली थी, अचानक एक दिन शाहीन बाग खत्म हो जाता है सर, फार्मर प्रोटेस्ट अचानक चला गया पता नहीं कहां पे, जो कल तक ऐसा लग रहा था कि साहब पूरा मतलब इंडिया को खा जाएगा, जबकि थे वो दिल्ली में ही, दिल्ली यूपी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे थे, ये ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कि साहब अब पूरा इंडिया में आग लग जाएगी और ये हो जाएगा, अब फार्मर ही नहीं है वहां पे। आज सुबह की रिपोर्ट है, सिंघू बॉर्डर जो है साहब, सिंघू बॉर्डर में जहां पे 5,000 फार्मर थे वहां 50 बाकी हैं, ये 100 होंगे, लोग चले गए अपने, पैसा बंद हो गया। इसलिए साहब मैंने बोला था, जो मैं आपसे शेयर कर रहा था रिकॉर्डिंग से पहले, ये है सर मेजर गौरव आर्यास फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट, मैं बाकी 2 लॉ और लिखूंगा, जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं, मेरे भी 3 लॉ होंगे सर, पर पहला लॉ ऑफ प्रोटेस्ट मैं बताता हूं, द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट तायर साहब इज द इंटेंसिटी ऑफ एनी प्रोटेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीवी कैमराज कवरिंग दैट प्रोटेस्ट। एब्सोल्युटली, जब तक सर वहां पर टीवी कैमराज हैं, और जितने हैं उतना प्रोटेस्ट होगा। अब वहां पर मीडिया नहीं जा रहा वहां पर, क्योंकि मीडिया सर टूल किट में लग गया, फिर अपना वो उत्तराखंड में ग्लेशियर बस्ट हो गया था उसमें लग गया मीडिया, मीडिया वहां से हट गया, जैसे ही मीडिया हटा इन लोगों ने बोला यार अभी तो कवरेज नहीं है, हाथ हाथ झाड़े सब चले गए वापस। जो लोग कह रहे थे कि साहब मरते तब तक, शाहीनबाग भी तो यही वर्ड यूज कर रहे थे ताहिर साहब कि हम लोग मर जाएंगे कयामत के दिन तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, फलाना ढिमका, कहां गई कयामत, कहां गया दिन, क्या हुआ, सब गायब, शाहीनबाग में ट्रैफिक चल रहा है, सब लोग भूल गए शाहीनबाग। तो ये जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पंचांग होता है हिंदुओं में ना, एक कैलेंडर होता है सर, रिलीजियस कैलेंडर, कि कौन सा त्यौहार, क्योंकि त्यौहार हमारे यहाँ हजारों त्यौहार होते हैं आते रहते हैं, तो बोला कि साहब इस दिन बैसाखी होगी साहब, इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन पोंगल होगी, इस दिन ये होगा वो होगा,
तो 50 त्योहार साल के, वो पंचांग इनका एक प्रोटेस्ट का एक पंचांग है कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन वो करेंगे। अब आप देखिएगा कल अगर हो जाए कि जो बाइडेन इंडिया आ रहा है, जो कि अपने 4 साल अपने टेन्योर में एक आध बार इंडिया जरूर आएगा, ऐसा दौर चला आ रहा है कि लोग आते हैं इंडिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा, फिर आप देखिएगा जैसे ही पता लगेगा कोई ना कोई मुद्दे पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, हल्ला करना शुरू। और जिस दिन बाइडेन अपना जहाज पकड़ के जाएगा, सेम डे खत्म, बोरिया बिस्तर आउट, टेंट वेंट बिरयानी के डेग सब खत्म, लोग वापस अपने घर। ये सबके सामने पर्दाफाश हो चुका है इनका। टाइम साहब आपने कहा कि इनका पर्दाफाश हो चुका है, आपने पीछे कहा कि चाइना के खिलाफ ये बात नहीं करते, मुझे तो यूं लगता है कि चाइना भी इनके पीछे है, नंबर वन। नंबर टू, चाइना में जिस तरह की ग्रॉस ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ हैं, इसके बारे में तो कभी ये बात ही नहीं करते, तो इससे तो मुझे यही यानी शक ही नहीं, यकीन होता है कि इनके पीछे चाइना भी है, जहाँ और भी फोर्सेज हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? ताहिर साहब बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आप ये देखिए कि जब जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो खालिस्तानी है, वो लिखता है शी जिनपिंग को चिट्ठी की, जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं गलवान के वाकये में, राइट? पन्नू है कौन? पन्नू को जानता कौन है? मैंने तो तब सुना जब उसने शी जिनपिंग को चिट्ठी लिखी, तब मुझे पता लगा कि ऐसा बंदा कोई जिंदा एग्जिस्ट भी करता है, मुझे तो पता ही नहीं था कौन है वो। तो ये आप देखिए ना, ये होता क्या है, पीछे से पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ये सब करने के लिए। भाई आप फार्मर प्रोटेस्ट या जो भी आप करवाएंगे, कुछ भी, ठीक है, फार्मर के कुछ जो एहतजाज बिल्कुल करें ना, वो लोग प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशन हक है, लेकिन हर प्रोटेस्ट में पैसा लगता है। वो बीएमडब्ल्यू वाले फार्मर, जो ऑडी वाले फार्मर थे, मर्सिडीज वाले फार्मर थे, वो कहां चले गए अचानक? क्या हो गया उनको? वो क्यों नहीं दिख रहे? जो पिज्जा खा रहे थे, आपको याद है लोगों ने बोला साहब क्या फार्मर जब जहर खाता था तो आपने नहीं बोला, अब पिज्जा खा रहा है तो आप बड़ा, वो बड़े बड़े लोगों ने, और दिलजीत दोसांझ करके भी एक्टर अच्छा है वो बेचारा, पर ये एक्टर क्या है कि अब पता है खुद, व्हेन दीज एक्टर्स गेट इनटू कमेंटिंग इन पॉलिटिक्स ना, ऑन पॉलिटिक्स, देन दे मेक अ समटाइम्स, नॉट ऑल ऑफ देम, देयर आर सम वेरी इंटेलिजेंट एक्टर्स हु आर इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंड आई एम ह्यूज फैन एंड दिस थिंग, बट मेनी ऑफ देम दे मेक अ फूल ऑफ देमसेल्व्स व्हेन दे गिव पॉलिटिकल कमेंट। तो पता लगता है कि इनकी नॉलेज बड़ी शैलो है। तो ये लोग आए साहब, ये लोग अपना कमेंट वोमेंट करके चले गए, अब वो कहाँ है वो फार्मर्स? वो फार्मर गायब हो गए सब। तो चाइना का तो हार्ड डेफिनेटली है, क्योंकि फंड चाइना करेगा, पाकिस्तान तो फंड कर नहीं सकता, पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। चाइना फंड करता है थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान देता है पैसे खालिस्तानियों को, और खालिस्तानी भी बड़े मजेदार लोग हैं साहब, मैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, खालिस्तानी ने खूब मजे करे सर, खूब पिज्जे खाए, ऑडी चौडी में खूब पंजाबी सॉन्ग सुने अपने, गदर मचाया यहाँ पे लाल किले पे, और जब पुलिस की लाठियां मिली तो गायब बिल्कुल। अब वहां पे देखिए 27 तारीख की सुबह से 9 खालिस्तानी, सारे खालिस्तानी गायब हो गए 27 तारीख की सुबह से, एक भी खालिस्तानी नहीं है। अब आप बताइए, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन डू। आप वो है ताहिर साहब ऐसा, तो देयर इज दिस होल एनाटॉमी ऑफ अ प्रोटेस्ट व्हिच टेक्स प्लेस। आपने कहा कि खालिस्तानी भी गायब हो गए 27 जनवरी से, हमने देखा एक स्टेज लगता है, और जब स्टेज का काम पूरा हो जाता है और आगे स्टेज नहीं चलता तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज ही हम ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जी दिशा रवि का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोका जा रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और मुझे भी कहीं अरेस्ट ना कर दिया जाए अगर ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिसाइज करेंगे, उनका अपना एक नैरेटिव होता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो वाकई वो इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है, बाहर वो इस तरह की बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है, तो जो भारत के इस तरह के अपोजिशन के लीडर्स हैं वो क्यों नहीं समझ पाते कि कौन सी बात करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, हमें बताइए सिलसिला में। सर ऐसा होता है जब 50-60 साल तक आप इक्तदार में हों, आप पावर में हों सर, अचानक आपसे वो पावर छीन लेता है कोई, तो ये सदमा झेलना सबकी बात नहीं है ताहिर साहब, सबके बस की बात नहीं है सदमा, ये बहुत बड़ा सदमा लगा है कांग्रेस को। जो राहुल गांधी सदमे में फिर आदमी उल्टी सीधी बातें करता है। अब देखिए मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, राहुल गांधी ने बोला कि साहब रफेल की डील में 30,000 करोड़ अंबानी को दे दिए, खूब जोर शोर से, अब वो नाम ही नहीं ले रहे रफेल का। इलेक्शन से पहले कह रहे थे 2019 में, फिर मोदी आ गए थंपिंग मेजोरिटी से आ गए, लोगों को पता लग गया झूठ बोल रहे। अब इन्होंने बोला कि 1500 किलोमीटर की जमीन जो है वो चीनी ले गए, अब चीनी वापस चले गए, चीनी अंदर कभी नहीं आए थे, बट जो फॉरवर्ड पोस्चर लिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनीज ने, अब चाइनीज पीछे चले गए, अब अचानक उस पर बात करना इन्होंने बंद कर दी। तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है,
ये कोई सस्टेन्ड मेरी राहुल गांधी की ऑपोजिशन होनी चाहिए, जबरदस्त ऑपोजिशन होनी चाहिए जो एक लगाम रखे सरकार पे, सवाल पूछे। लेकिन मुझे नहीं लगता साहब कि राहुल गांधी वो ऑपोजिशन है, बिकॉज ए द मैन इज नॉट इंटेलिजेंट। आई मीन आई डू नॉट मीन टू इंसल्ट हिम एंड आई एम श्योर इज अ गुड ह्यूमन बींग, आई एम श्योर वो अच्छे अच्छे इंसान है, लेकिन ही इज नॉट अ वेरी ब्राइट मैन, ही डज नॉट कम अक्रॉस एज अ वेरी वेल स्पोकन एंड अ ब्राइट मैन। उनको उनको जो लोग बोल देते हैं तो राहुल जी वो बात बोल देते हैं सबके सामने, वही चीज वो उलट देते हैं सबके सामने, और वो उसको लेकर जिसको कहते हैं ना, ही डज नॉट कंटिन्यू विद दैट थिंग। उनका उनका बड़ा एफेमरल सा है मामला, कि मतलब जैसे ओस गिरी पत्ते पे, फिर धूप आई, फिर ओस सूख गई, वो एक आध घंटे का उनका खेल रहता है। अब वो उन्होंने ये दिशा रवि को पकड़ लिया, अब दिशा रवि को वो सामने इसका केस आगे नहीं करेंगे ये लोग, ये किसी और चीज का वेट करेंगे, फिर उस पर कमेंट करना शुरू कर देंगे दिशा रवि को। अभी दिशा रवि इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, ये चलेगी करीब एक दो हफ्ते तीन हफ्ते, फिर वो आउट हो जाएगी, फिर किसी और चीज को पकड़ लेंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन को इन्होंने एक महीने के लिए पकड़ा, अब डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं करते, फिर उन्होंने 370-35 को पकड़ा, अब उसकी बात ही नहीं करते। तो ये जो कांग्रेस पार्टी अपने राहुल जी का नाम लिया, राहुल जी की आदत है, एक जमाने में लाइक इंदिरा गांधी वॉज अ पॉलिटिशियन, जो इनकी दादी थी वो एक जबरदस्त किस्म की पॉलिटिशियन थी, जबरदस्त। उन्होंने भी कई गलतियां करी, बट एटलीस्ट शी वॉज सॉलिड, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंदिरा जी सॉलिड नहीं थी, शी वॉज वेरी सॉलिड। लेकिन लेकिन ताहिर साहब मुझे कहना पड़ेगा कि ये राहुल गांधी इज ऑल गैस, आई एम नॉट इम्प्रेस विद राहुल गांधी, वो दम नहीं है राहुल गांधी में। और जहां तक बात है कि क्या इनको रियलाइजेशन होता है कि फॉरन, इनको रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये अब मणिशंकर अय्यर साहब पहुंच गए थे पाकिस्तान और बोला कि आप मोदी को हटाइए तब जाके कांग्रेस सरकार आएगी, आप समझ रहे हैं। तो एक 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 तायर साहब इक्तदार की हवस है ये, और कुछ नहीं है, दिस इज लस्ट फॉर पावर एंड पावर बाय एनी मींस, इफ इट मींस हार्मिंग द कंट्री सो बी इट, इफ इट मींस हार्मिंग द नेशन सो बी इट, वी शुड बी इन पावर, कुछ हो जाए, मौत आ जाए, लोग मर जाए, देश का नाम मट्टी में मिल जाए, हमें हमें किसी तरीके से पावर में आना है। और ये चल रहा है यहाँ पे, तो चलेगा गेम, लेकिन लोग अब जाग चुके हैं, लोगों को पता है सच्चाई क्या है, एंड इट इज द पीपल ऑफ इंडिया नाउ हु आर फाइटिंग बैक, दैट सब दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग बैक। आपने पीछे कहा कि कुछ ना कुछ डैमेज तो इमेज के कॉन्टेक्स्ट में भारत को ज़रूर होता है जब इस तरह के ड्रामे सामने आते हैं, और दिशा के मामले में बिल्कुल हमें भी लगता है कि ये चंद हफ्ते बाद चलेगी, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कर्ब कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन कितना नुकसान वाकई होता है, क्या ये रिपेयरेबल होता है जो डैमेज होता है? ताहिर साहब बिल्कुल रिपेयरेबल है, और सिर्फ रिपेयरेबल नहीं है, ये जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ स्पेशली राहुल गांधी करते हैं ना, और इनको एक दो इनके सीनियर जो कलीग्स हैं, डॉक्टर शशि थरूर हैं, हुम आई रियली रिस्पेक्ट अ लॉट, ही इज वेरी यूरेडाइट, ही इज वेरी वेल स्पोकन, वेरी नॉलेजेबल मैन, डॉक्टर शशि थरूर ने और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी काफी एडवाइस करने की कोशिश करी। कपिल सिब्बल साहब हैं, हु इज अ वेरी रिनाउंड लॉयर, वेरी रिस्पेक्टेड लॉयर, बड़े सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने भी बड़ी ये सुनता नहीं राहुल किसी की, ये अपनी धुन में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया वैक्सीन बना रही है, ठीक है ना, आपको पता है कि 80 से लेकर 100 देशों में वैक्सीन जा चुकी है, नेबरहुड में फ्री में बढ़ चुकी है, आपको पता है। जैसे ही इंग्लैंड ने अपनी वैक्सीन लॉन्च करी और एक बुजुर्ग थी, कोई दादी जी थी बुजुर्ग 90 साल की, उनको पहली वैक्सीन लगी, इन्होंने ये नहीं बोला कि दुनिया में वैक्सीन आ गई, इन्होंने सबसे पहले ट्वीट करा कि मोदी जी क्या हुआ हमारी वैक्सीन, मतलब यू नो जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू यूज दिस, छिछोरे वाली हरकतें कर जाते हैं वो, अब वो वैक्सीन वाली चीज खत्म हो गई उनकी। वो एक इनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स सर, पहली चीज तो ये ट्विटर पे चल रही है इनकी जमीन पे, क्योंकि जमीन पे पार्टी इनकी साफ हो गई, अब सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है इनकी टीवी स्टूडियोज और ट्विटर पे चल रही है, जमीन पे कोई नहीं रह गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट द पार्टी, एंड बाकी लोग हैं उनकी आइडियोलॉजिकल पोजिशन इतनी स्ट्रांग है इतने सालों से कि नाउ दे कैन नॉट लीव द कांग्रेस, अब वो जा नहीं सकते। अब शशि थरूर साहब की आइडियोलॉजिकल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, एंड ही इज अ गुड मैन, यू सी, बट क्या करेंगे, अब वो ऐसी पोजीशन ले ली है दिहाइयों से, दशकों से, सो व्हाट कैन दे डू। अब कुछ भी आप छोटी सी चीज ले ली है, चाइना के बारे में, चाइना पीछे हट गया, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है हम पीछे हट गए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है चाइना पीछे हट गई, सिर्फ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर हमारी जमीन चाइना को चलेगी, चाइना कह रहे नहीं गई भाई हमारे पास, हमने कुछ नहीं लिया, हम तो पीछे हट रहे हैं,
चाइना वीडियो ट्वीट कर रहा है, चाइना फोटोज दिखा रहा है कि हम बॉर्डर के पार भी नहीं आए, हम तो बॉर्डर पे थे, हम पीछे हट गए। चाइना खुद हाथ जोड़ के पीछे कह रहे, नहीं तुम नहीं पीछे हटे, लद्दाख हमारे हाथ से निकल गया। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना तायर साहब, आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिशा का जो मामला है, आपने प्रेडिक्शन की कि ये 2-3 हफ्ते मैक्सिमम चलने वाला मामला है, चूँकि ये कोर्ट में मामला है और उसकी वजह यह है कि इंक्वायरी बड़ी सॉलिड है, कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है, और ये कहना कि वो एक 22 साल लड़की है, 22 साल इंसान मुकम्मल तौर पर बालिग होता है, वो हर डिसीजन करता है, और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो आप और मैं रिस्पेक्ट करेंगे, चूँकि हमें पूरा विश्वास है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई और ड्रामा भी पक रहा है, आप कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, 100% ताहिर साहब, 100%। ये कुछ इनको देखिए, बात ये है कि इनकी जो पॉलिटिक्स है उसूलों की नहीं है। अगर आज मैं पूछूं, अभी देखिए एक समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, और राज भी कर रखे, ट्वाइस चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, उनके फादर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, चीफ मिनिस्टर यूपी के रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे, और एक पॉलिटिकल डायनेस्टी है और जबरदस्त नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, मुलायम सिंह यादव का जबरदस्त नाम है। तो कोई बोले कि हल्के लाइट वेट, तो ऐसी बात नहीं है, जबरदस्त हैवी वेट पॉलिटिशियन, जबरदस्त पॉलिटिकल फैमिली। उनका बेटा अखिलेश यादव यह कहता है कि साहब ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। अब आप, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, इसका लॉजिक तो नहीं है। अंग्रेज 200 साल भारत में राज करके गए, भारत को लूटा, लाखों भारतवासियों को मार दिया जान से, अब मैं इनसे पूछूं आप अंग्रेजों की वैक्सीन लगाओगे? हाँ अंग्रेजों की लगा लेंगे साहब, लाखों हिंदुस्तानी मार दिए, पूरे देश को लूट लिया, 200 साल गुलाम रखा, उनकी वैक्सीन लगा लेंगे, लेकिन भाजपा की वैक्सीन कौन सी होती है? वो वैक्सीन का भगवा रंग है क्या? क्या उसमें बीजेपी लिखा, कमल का निशान है उसमें? ये पता नहीं क्या बात करते, जैसे कि मोदी जी को साइंटिस्ट होंगे या फिर कोई और, इसमें गडकरी साहब कोई डॉक्टर होंगे बहुत तगड़े जिन्होंने रिसर्च करी होगी, तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं। बट सबसे अच्छी बात आपको पता है ताहिर साहब क्या है, ये लोग इतने फ्रीक्वेंटली बकवास करते हैं ना कि अब लोगों को हंसी आने लगी। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग, आपने बोला कि साहब आप कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, मैं प्रेडिक्ट करता हूं ये 3-4 दिन में फिर एक बकवास करेंगे, आप देखिएगा ये कुछ ऐसी बात लेकर आएंगे कि हम लोग एक और शो कर रहे होंगे और हम दोनों हंस रहे होंगे इस चीज पे कि आज देखो इन्होंने ये शगुफा छोड़ दी। ये कुछ, ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स आप ट्विटर पे, ट्विटर के अलावा इनकी पॉलिटिक्स जमीन पे नहीं है, दे हैव बीन वाइप्ड आउट, देयर एंटायर पॉलिटिक्स इज ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया। बस आपने कहा कि इनकी सारी पॉलिटिक्स ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है, और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि भारत ने एक बहुत बड़ा अल्टरनेट नैरेटिव के लिए कू के नाम से जो ट्विटर के हम पल्ला सोशल मीडिया मुतारफ़ किया, मैं ख़ुद उस पर साइन अप हुआ हूँ, बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही बढ़िया है, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं लेफ्टिस्ट भी और कुछ सो कॉल्ड अपोजिशन के लोग भी कि जी ये तो भाजपा का है, ये तो भारत का है ही नहीं। तो आप और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि भारत अपने नैरेटिव में पीछे है, तो मुझे तो खुशी हुई कि भारत ने अपने नैरेटिव के लिए अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म दे दिया पूरी दुनिया को। मैं तो कनाडा में बैठा हूँ, मेरे लिए कू बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो अमेरिकन से भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ मार्केटिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि सब दुनिया आए उस पर, वॉलंटरली कर रहा हूँ। तो ये इवन जो एक आईटी का या जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसको भाजपा की वो लगा रहे हैं मोहर, तो कैसे आप देखते हैं इसमें देखने का क्या है ताहिर साहब? आप बताइए ना, ये कुछ भी आप कर देंगे, ये देखिए मैं ये बता रहा हूं कि नाउ दे देयर पॉलिटिक्स हैज बिकम मीनिंगलेस, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में, आज भी कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत में, उसमें बिलीव नहीं करता, मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, सबसे पुरानी पार्टी है, हर एक पार्टी ने गलतियां करी, अगर मैं कोई बोलूं कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में जिसने कोई गलती नहीं करी, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी गलतियां करी, बाकी पार्टियों ने भी गलतियां करी हैं, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि इंडिया में एक सेंसिबल नैरेटिव चले ऑपोजिशन की तरफ से, ठीक है, कोई तो हो जो मोदी जी से सवाल पूछे कि मोदी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका लॉजिक क्या है, हमें समझाइए। ये सवाल पूछने वाले ही जब बेवकूफ हैं तो फिर मोदी जी को भी हंसी आती है, पार्लियामेंट में हंस के चले जाते हैं, आपके क्वेश्चन जब इतने नॉनसेंसिकल हैं तो कोई क्या? ये इनके, आप देखिए ना क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, अब कू एक प्लेटफॉर्म बनाया, सबसे पहले इनको यह बोलना चाहिए था कि आई सो एंड सो, आई एम अ पॉलिटिशियन, प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम ऑन कू,
नहीं, इन्होंने ये नहीं करा, ये भी भाजपा का प्लेटफॉर्म है। अभी देखिएगा ये क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये सारे के सारे जब कू एक लेवल पे बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, राइट, बड़े बड़े लोग, ये लोग भी आएंगे कू पे, फिर ये भूल जाएंगे, फिर ये सब लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने एक जमाने में कू को गाली दी थी और ये बोला था कि भाजपा का प्लेटफॉर्म है, या व्हेन आई से गाली इन द सेंस कि आप उनके इंटेंट को डाउट कर रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकल फ्लेवर दे रहे हैं, राइट। अब ये सब हो गया, अब आप देखिएगा 6 महीने के बाद धीरे धीरे सबके सब कू पे आएंगे, सबके सब एक साथ। आपने कहा कि 6 महीने में आएंगे, मुझे तो लगता है जल्दी आ जाएंगे। आखिर में दो एक बातें मैं आर्या भाई जानना चाहूँगा कि दिशा का जो केस है जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी वो अब कोर्ट में है, तो आपको क्या लगता है, पुलिस की बहुत सॉलिड इंक्वायरी है कि किस तरह मैनूवरिंग की, किस तरह भारत की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर इस टूल किट की वजह से अटैक हुआ, ये एक साजिश है, तो आपको क्या लगता है कि ये केस किस तरफ जाएगा? सर मुझे नहीं लगता है केस कहीं जाएगा, ये केस सोशल मीडिया का केस बन के रह जाएगा, बाकी जजेस क्या डिसाइड करेंगे वो डिपेंड करता है कि कितनी तगड़ी प्रूफ दिल्ली पुलिस ने सबमिट करी है कोर्ट पे, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ विल डिसाइड एवरीथिंग। लेकिन ये जो भी हम सुनते हैं ना, ये गर्म हवाएं चलती हैं सारी की सारी, सर ये जमीन पे नहीं है, ये सारी की सारी सोशल मीडिया पे चलती है, ट्विटर के ट्रेंड्स चलेंगे, जैसे इमरान खान है ना, इमरान खान ट्विटर पे ट्रेंड करवा देगा, ISPR ट्विटर पे ट्रेंड कर, ये सब ट्विटर के खिलाड़ी हैं, ये इन्होंने जमीन पे कुछ काम नहीं करना, ये ऐसी ट्विटर पे ये एक सेलिब्रिटी को पैसा दे दिया, उसने ट्वीट कर दिया, ये किसी का टारगेट होगा बैठे बैठे रावलपिंडी में, किसी का टारगेट होगा कि भाई तुमने ये सेलिब्रिटी लानी, उसने इतने पैसे दिए, कुछ जेब में रखे, कुछ सेलिब्रिटी को दिए, एक ट्वीट करवा दिया, ये धंधे चल रहे हैं इनके, तो ठीक है साहब ये भी काम हो जाएगा इसका। देखिए मुझे लगता है जहां तक दिशा रवि का सवाल है, दिशा रवि का सवाल है, ये डिपेंड करता है टोटली कितना पुख्ता केस दिल्ली पुलिस ने बनाया है, और अगर उस केस में दम है, जो कि लग रहा है प्राइमा फेसी की दम है, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार को नहीं झुकना चाहिए, मैं तो यही हिदायत दूंगा कि सरकार को नहीं झुकना चाहिए, ये जितने भी लोग हैं, कल तो आप किसी को भी, कोई कल कोई भी होगा साहब विक्टिम प्ले, कोई भी विक्टिम प्ले करेगा, कल कोई किसी को मार देगा, कोई जान से मार देगा किसी को, आप बोलेंगे साहब ये कैसे नेशनल वुमेन राइट्स या जो भी राइट्स वाले हैं ये सब लोग बीच में आ जाएंगे। द लॉ शुड बी अप्लाइड इक्वली ऑन एवरीबडी, मेल और फीमेल, बस ये है कि जो जुवेनाइल है उसके लिए अलग लॉ है और जो एडल्ट है उसके लिए अलग लॉ है, इसके अलावा मेल और फीमेल, जब लॉ किसी में वो नहीं करता तो वाई प्ले विक्टिम, अगर गलती करी है तो फेस द लॉ, फेस द म्यूजिक। या बिल्कुल आपने सही बात की कि लॉ लॉ है, मुझे तो पर्सनली ऐसा भी नहीं लगता कि ये कोई स्टेट वर्सेस यानी जो हमारी पॉलिटिकल सरकार वर्सेस दिशा का मामला है, ये तो लॉ एनफोर्समेंट वर्सेस इंडिविजुअल का मामला है। ताहिर साहब आपने 10 दिन पहले दिशा का नाम सुना था, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था। ठीक कह रहे हैं आप, हाँ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी दिशा के, मोदी जी क्यों, मोदी जी खुद नहीं जानते दिशा, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, उस बच्ची को कोई नहीं जानता दुनिया में साहब, कोई इसके खिलाफ क्यों होगा। मैं तो आपके खिलाफ तब हूंगा ना जब आप मेरे खिलाफ होंगे। अब आप बोलो कि कोई मतलब, मैं किसी को नहीं जानता, स्ट्रेंजर जो मेरे लिए अननोन है मैं उसके खिलाफ हूं। अरे ये अजीब बेवकूफी की बातें करते हैं ना फिर ये, दीस पीपल टॉक नॉनसेंस, राइट। आपने कहा कि किसी ने नाम नहीं सुना था, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कोर्ट फैसला करेंगी ये कोर्ट जानती हैं, पुलिस की रिपोर्ट को अंदाज़ा होगा उसमें कि कितना वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लेकिन ये बात तो तय है कि अब दिशा को पूरी दुनिया में लोग जानती है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा इस सारे अमल से? बिल्कुल साहब, बिल्कुल फ़ायदा होगा, दिशा का करियर डिसाइड हो गया है, दिशा बनेगी एक शाहीन बाग में थी बिल्किस दादी, ये दूसरी बिल्किस दादी बनेगी हमारे हिंदुस्तान में, इनको क्या, देखिए एक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बढ़िया वर्ड निकाला आंदोलनजीवी, आप कभी भी देखिएगा साहब वही चेहरे आपको हर एक प्रोटेस्ट साइट पे मिलेंगे, ताहिर साहब वही चेहरे, वो फार्मर का प्रोटेस्ट हो, वो 370 का प्रोटेस्ट हो, वो डीमोनेटाइजेशन का प्रोटेस्ट हो, सेम चेहरे आपको मिलेंगे, वो 5-7 चेहरे, अब उसमें एक और चेहरा जुड़ जाएगा थोड़े समय के बाद, दिशा रवि का एक चेहरा जुड़ जाएगा उसमें, वही फिल्म स्टार दिखेंगे, वही एक दो फिल्म डायरेक्टर दिखेंगे जिनके आंख से आंसू निकलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे, वही जो अपने ट्विटर पे हैं, वही 8-10-15 लोग हैं वही पूरे इंडिया में, जो हर जगह आप देखिएगा, कल अगर कोई इंडिया गेट पे, इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में इंडिया गेट है प्रोटेस्ट, वही बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ के मोमबत्ती लेके, वही 4-5 चेहरे फिट हैं,
वो पिक्चर है उनकी बनती रहती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्टार कास्ट रिमेन्स द सेम, सेम फिल्म बार बार रिलीज होती है एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एट इट। आप देख लीजिए बिल्किस दादी जो थी उनका नाम बड़ा फेमस और टाइम में 100 मोस्ट, एक तो मुझे ये नहीं पता लगता कि टाइम मैगजीन कैसे क्या इन्फ्लुएंस है बिल्किस दादी का, भाई मेरे घर के बाहर के साथ सड़क खराब है लक ठीक करवा दो तुम्हारा इन्फ्लुएंस हो, बच्चे वाली बातें करते हैं लोग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ये कुछ भी कह देते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। अच्छा कैसे, किसी एक दो ने ट्वीट कर दिया कि बोला कि यार बिल्किस दादी बड़ी अच्छी है, तो बिल्किस दादी बड़ी अच्छी, वो पहुंच गई फार्मर के पास, अब अगला प्रोटेस्ट होगा बिल्किस दादी वहां पहुंच जाएगी, बस दैट्स ऑल। आखिर में इस सारी सिचुएशन में आप क्या कंक्लूसिव रिमार्क्स देना चाहेंगे? ताहिर साहब मेरा तो रिमार्क ये है कि इंडिया शुड बी स्ट्रॉन्ग, और जो हमारे कुछ भी लीडर हैं उनकी मंशा अच्छी है, वो चाहते हैं अच्छा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया क्या कहती है आप इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दें। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, शिकागो ट्रिब्यून, जो भी हैं कैनेडा के, यूएस के, कहीं के भी अखबार हैं, यूके के, क्या कहते हैं छोड़िए ना, अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, ये हमारे बारे में क्या कहता है। सी ईदर आई कैन डू द राइट थिंग और आई कैन बी पॉपुलर, दोनों चीजें नहीं हो सकती, आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है, लोग आपके बारे में कहेंगे, ठीक है, ये वो है ना कि पीपल विल से समथिंग और दी अदर, आप कुछ कर दीजिए, पीपल विल से, सो यू शुड स्टॉप वरिंग स्पेशली स्पेशली व्हाट द फॉरेन मीडिया सेज अबाउट यू। आई थिंक सम ऑफ आवर लीडर्स आर वेरी सेंसिटिव कि फॉरेन मीडिया ने ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया हमारे बारे में, मुझे नहीं लगता इनको कोई भी फर्क पड़ना चाहिए, जस्ट इग्नोर द फॉरेन मीडिया एंड से दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि बॉस आपको अगर करना है आप बोलिए, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, हम लोग हमारा देश वैसे ही चलेगा जैसे हम समझते हैं कि इसको चलना चाहिए, इट विल नॉट बी डिक्टेटेड टू बाई एनी एनजीओ, एनी फॉरेन न्यूज़पेपर और एनी एडिटोरियल इन एनी न्यूज़पेपर अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और ये मैसेज ऐसा है जो हर जगह पहुंचना चाहिए। आपसे अगले हफ्ते फिर बातचीत करेंगे गौरव आर्या भाई, हम बहुत ही ममनून रहते हैं आप हमें अपने बहुत ही कीमती समय में से वक्त निकाल के देते हैं हर हफ्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बातचीत सुन रहे थे व्यूअर्स आप मेजर गौरव आर्या जी की, बहुत ही खरी खरी बातें करते हैं और उनका एनालिसिस जो होता है बहुत ही इन डेप्थ होता है और हमें सोचने का उसमें बहुत सारा जो है ना फूड फॉर थॉट जिसे कहते हैं वो उसमें होता है। आज जो उन्होंने बातें की वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, भारत जो प्रिंसिपल्स पर, जो डेमोक्रेसी के असूल हैं उनके मुताबिक जिस तरह अच्छे अंदाज से चल रहा है उसी अंदाज से चलता रहे, बाहर के ये जो सेंसेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जिनका अपना एजेंडा है, जो अपने पैसे की फंडिंग की बेस पर चल रहे हैं, वो तो ये काम करते रहेंगे, हमें यानी भारत को अपना काम करना है, जो असूल कहता है, जो कानून कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो डेमोक्रेसी जिस तरह चलाती है। अगले हफ्ते हम मेजर गौरव आर्या भाई का फिर इसी तरह का एक तबसरा लेकर आएंगे। आज का तबसरा बिला तकल्लुम में देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया, हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो पट्टी चल रही है इसमें जो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अप्रिशिएट करेंगे। पैट्रियन पर भी हम हैं, पेपॉल पर भी और क्रेडिट कार्ड के राही भी, tagtvsouthasia.com और tagtv.info ये हमारी दो वेबसाइट्स हैं। tagtvsouthasia.com खास तौर पर आप विजिट कीजिए। एक बार आखिर में फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।